मॉर्निंग क्लास 8, हाउ आर यू। कोविड-19 के कारण अपनी क्लासेस ब्रेक हो गई थी, तो अब इसको अपन कंटिन्यू करने के लिए वशिष्ठ ई लर्निंग जो चैनल है यूट्यूब पे, उसके थ्रू अपन स्टडी करेंगे। आज मैं आपको SST पढ़ाऊंगा। SST क्या? अपन पहले ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे, उसके अंदर चैप्टर 1 है रिसोर्सेज चैप्टर 1, उसको अपन आज रीड करेंगे। तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक आप अपने सामने रख लीजिए और पेंसिल या पेन है उससे नोट डाउन करते रहिए। देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके अंदर पहले अपने को ये जानना है कि रिसोर्सेज क्या होते क्या हैं। इसके अंदर देखो ऊपर कन्वर्सेशन भी दे रखी है मोना एंड राजू की, जो कि मोना आस्क्ड टू राजू दैट व्हाट इज रिसोर्सेज। वह राजू से पूछती है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो राजू उसको बताता है कि रिसोर्सेज की एवरीथिंग वी फाउंड इन अराउंड अवर, अपने चारों तरफ जो भी चीज़ दिखती है अपने को वो सभी रिसोर्सेज के अंदर आती है। जैसे कि दी वाटर वी ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, अपन पानी पीते हैं कब, जब अपन को प्यास लगती है, अपन थर्स्टी होते हैं। दी इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, अपन इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, अपन बटन ऑन करते ही अपना फ़ैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, तो ये भी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। एंड द रिक्शा वी यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और एक रिक्शा होता है जो कि अपन घर से स्कूल जाने के अंदर यूज़ में लेते हैं, या फिर घर से कहीं मार्केट जाना है तो उसके अंदर यूज़ में लेते हैं, तो ये भी एक व्हीकल पार्ट है रिक्शा, जो कि रिसोर्सेज के अंदर आता है। एक आ गया दी टेक्स्ट बुक वी यूज़ टू स्टडी आर ऑल, अपन टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए काम में लेते हैं, तो वो भी एक रिसोर्सेज का ही एक उदाहरण है, रिसोर्सेज का ही एग्जांपल। एक आवर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, ये बताता है राजू कि हमारे फादर हमारे लिए टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं। दी फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स, वो बताते हैं कि अपने फादर अपने लिए स्नैक्स बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, तो ये सभी रिसोर्सेज का ही पार्ट है, रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं। रिसोर्सेज का असली हिंदी मीन क्या होता है आप लोगों को पता है? रिसोर्स का मीन होता है स्त्रोत, जो भी अपने काम को इजी करवाए वो रिसोर्स है, जो भी अपने को हेल्पफुल चीज़ हो वो रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। वेजिटेबल होती है, फ्रूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, व्हीकल्स, सभी इस रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समटाइम समथिंग इन कॉमन, ये सभी कॉमन है, और क्योंकि सभी ये रिसोर्सेज के अंदर आती हैं, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी, और ये सब रिसोर्सेज अपने यूटिलिटी उपयोग भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सारी उपयोगी चीज़ें हैं, सारी उपयोगी वस्तुएँ हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू मीन्स, इस अब देखते हैं अपन वैल्यू का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज के अंदर भी वैल्यू का बहुत बड़ा मीन होता है। रिसोर्सेज के अंदर जैसे कि टू टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, जैसे कोई इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली मतलब कि उसकी रेट है जो आगे बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। योर ग्रैंड मदर होम रेडी मी हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे, जैसे कि इसके अंदर उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई लैंडस्केप है अपने पास, लंबी ज़मीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, काफ़ी सालों से वो बंजर ज़मीन पड़ी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक होते हैं मेटल्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये कितने कॉस्टली होते हैं, कितने महंगे होते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम समय के साथ साथ बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। और एक कोई ज़मीन है बड़ी सारी दिख रही है अपने को, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना वाटर सप्लाई है, तो ये है कि कई रिसोर्सेज की वैल्यू है कईयों की नहीं है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज, टाइम एंड टेक्नोलॉजी है ये दो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, दोनों ही आदमी की बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ों के अंदर आते हैं। पीपल देमसेल्व आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद भी, अपन इंसान भी एक खुद बहुत बड़े रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, क्योंकि अपने अंदर नए नए आइडियाज़ उत्पन्न करने की, नए नए आइडिया को डेवलप करने की अपने अंदर कैपेबिलिटी है, अपन नए नए इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं,
ओके अपने अंदर नॉलेज होती है तो अपन भी एक रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अपन रिसोर्सेज का मोर क्रिएशन मतलब कि नए से नए रिसोर्सेज को बना सकते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जैसे कि अपन ने शुरू के अंदर बहुत सालों पहले आग का प्रयोग किया था, आग का आविष्कार किया था, कैसे टू स्टोन्स को रब करके। पहले के जंगलों में आदिवासी वगैरह लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया था, दो स्टोन होते थे उनको रब करके उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया है ना, आग का आविष्कार किया। और वो आज अपने अंदर अपने क्या काम में आते हैं, कुकिंग के अंदर, फूड को पकाने के लिए। वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिसोर्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही अपन ने व्हील का भी आविष्कार किया था पहले, गोल चक्र का व्हील का, तो आज अपने को वो क्या सहायता कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े व्हीकल्स चलते हैं हाईवेज पे, उसका आविष्कार अपन ने ही किया था शुरू के अंदर। द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्नड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इंटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। कोई किसी जगह से अपने घरों के अंदर पानी सप्लाई के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसका भी अपन ने इन्वेंशन किया ताकि अपने बहुत प्रेशर से पानी आता है और अपने घरों के अंदर सप्लाई होती है पानी की। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स ओनली, और एक होता है कंजर्वेशन रिसोर्सेज। अपन पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि अपने को देखने के अपन चारों तरफ देखते हैं तो अपने को क्या दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं, माउंटेन पहाड़ दिखते हैं, जमीन दिखती है, रोड दिखती है, सॉइल दिखती है, मिट्टी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, है ना। एयर हो गई, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। लेकिन इसके अंदर दो पार्ट और हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या चीज़ होती है कि कोई भी रिसोर्स जो कि अपने ह्यूमन से द्वारा अफेक्ट नहीं होता, जैसे कि अपन उसको उस पर अपना अधिकार नहीं होता, जैसे एयर है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है लेकिन उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं है। अपन कोई ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि एयर को रोक सकते हैं या फिर ज़मीन पे जितना पानी है उसको कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको अपन कम नहीं कर सकते ये आती रहती है ना। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे देखो, सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कि कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस, ये सब आती है नॉन रिन्यूएबल के अंदर, जिसके कोई मतलब कि आगे आने पे कोई अंत होगा इसका। ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसका कभी अंत नहीं होगा, ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहती है। तो ये हो गए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का अर्थ। अब आगे है अपना ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स पे आते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड और वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सर्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके और ह्यूमन मेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले एक रिसोर्स को पैदा करे। जैसे कि आयरन है, इसका गुड एग्जांपल आयरन है। आयरन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है, उसको ह्यूमन अपन इंसान लोग उसको लेते हैं, यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मशीनें बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, है ना। ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अपन बड़े बड़े व्हीकल्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं सारे, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब आता है नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स। ये सिंपल चैप्टर आपका, बहुत छोटा चैप्टर है। ह्यूमन मेड रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू अस। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि इंसान खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉलेज है, स्किल है ना, टेक्निकल पावर है,
माइंड है ना, तो ये सभी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आती है, क्योंकि अपन खुद अगर अपने पास स्किल है, नॉलेज है ना, इससे अपन खुद एक रिसोर्स बना सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्स, इसलिए अपन ह्यूमन बींग्स स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इंसान है वो एक ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल, अपनी हेल्थ के कारण, अपने नॉलेज के कारण, अपनी एजुकेशन के कारण पीपल की जो है वैल्यू है, आज वैल्यूएबल माना जाता है उसको, वैल्यूएबल रिसोर्स। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसी के कारण अपन नए नए रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लास्ट आता है सबसे अपना कंजर्वेशन रिसोर्स। कंजर्वेशन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके अंदर अपन जानेंगे कि कैसे रिसोर्सेज तो अपने वो मिले हुए नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, लेकिन अब इनको कंजर्विंग रिसोर्सेज के द्वारा अपन इसको कैसे कंट्रोल करें, कंजर्विंग रिसोर्सेज के अपन अंदर यही जानेंगे। देखो, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली फ्रॉम गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर अपन जानेंगे कि कैसे अपने को जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गई, सॉइल हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, इसका अपन कैसे रीयूज कर सकते हैं, है ना, रिन्यूड कैसे कर सकते हैं, ये आता है रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर। जैसे कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी के द्वारा अपन फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करके बचा के रख सकते हैं, ताकि अपना फ्यूचर जो है ब्राइट रहे, आगे आने वाले टाइम पे अपने को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसके काफ़ी सारे कंजर्विंग रिसोर्सेज के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग, और अपने ईच पर्सन हर आदमी को ये जानने चाहिए बाय और करना चाहिए, कैसे, बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। जैसे कि कोई भी अपन फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको वॉश करते हैं, जिस वॉश से अपन वाटर होता है, जिससे अपन वॉश करते हैं उनको, उसको वॉश करने के बाद वेजिटेबल्स को और वाटर को फेंक देते हैं, जो बचा हुआ वाटर होता है उसको नहीं फेंकने के बजाय अपने को क्या करना चाहिए था, अपने को जो अपने प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनके अंदर देना चाहिए था, ताकि वो ग्रोथ करते, लेकिन अपने ऐसा नहीं किया, इसको कहते हैं रिन्यूएबल रीयूजिंग। और हो गया कंजप्शन, जैसे कि अपन वन कोई पर्सन मार्केट जाता है तो वो अपनी फोर व्हीलर कार लेकर जाता है, जो कि इतना यूज़ नहीं होता, वो अपनी टू व्हीकल वाली बाइक या फिर एक्टिवा से भी जा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, कार से जाता है, और जो उसका कार में क्या होता है, ज़्यादा पेट्रोल लगता है तो वो बर्न होता है और अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करता है, जो कि बहुत ही बैड है अपने एनवायरनमेंट के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, इसलिए अपने को सभी चीज़ों को बचत करके कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि अपन ह्यूमंस हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, अपने को कोई परेशानी आएगी तो और लोगों को भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एनवायरनमेंट जैसे पॉल्यूटेड हुआ तो अपन को ही परेशानी हो रही, इसके साथ साथ अपने पूरे जो अपनी कॉलोनी के लोग हैं, अपने पूरे देश को इसका सामना करना पड़ सकता है, तो धीरे धीरे इसको कंजर्व करना चाहिए, यही है कंजर्वेशन रिसोर्स का मीन। इसके और देखो, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इट्स पीपल टू लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज नेचुरल प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और इसको बचाना अपना कर्तव्य भी है, क्योंकि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, अपन जैसे जैसे इनको कंजर्व करेंगे, बिल्कुल सेफ होके चलेंगे, कोई चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे, इसको कोई काम में लेने के बाद उसको डायरेक्ट फेंकेंगे नहीं, जितना यूज़ हो उसका यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, अपनी जो अर्थ है वो भी कंजर्व रहेगी, अपनी अर्थ है वो भी बची रहेगी। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो अर्थ है अपनी उसको डैमेज होने से अपन बचा सकते हैं। ये आपका चैप्टर हो गया, चैप्टर फर्स्ट बहुत ही सिंपल था, छोटा था। इसके आगे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर।
क्वेश्चन आंसर में है दी आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दे रखे हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हैं। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपने चैप्टर केयरफुली देखा होगा तो आपको ये जो शुरू के टिक दी करेक्ट आंसर हैं, पहला मत करना आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हैं टिक दी करेक्ट आंसर, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने अगर केयरफुली देखी होगी इसको, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो आप इसको इजीली कर लोगे। और एक बार चैप्टर को वापस से एक बार रीड करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर स्कूल आके वैसे भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि अपन सेकेंड चैप्टर भी करने की कोशिश करेंगे, लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। ओके बाय।